छोटे चोट दिमाग है हमारे दर्शन हम कहते हैं कि गवर्नर होते हैं एक वजीर होते हाँ। हैं एक उसके ऊपर बादशाह होता है तो कुछ ऐसा कर हाँ। लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं हाँ। और बड़ी एक यूनिक सी चीज थी लिख हाँ किताब पूरी किताब लिख दी कि ये होगा ये होगा ये होगा ऐसे होगा रूल्स सारे रूल्स लिख दिए और इंडिया का कोई रूल हम पे अप्लाई नहीं होगा हमारे रूल इंडिया पे अप्लाई हो गए और एक इनको समझ नहीं आएगी बेनोई अलग ट्राइब का था बस बीच में मिल गया ताकि पता लगे चल क्या चल दो आया चलो इसमें। एक Welcome to Podcast. My name is बात यह है लोगों के दिमाग में बैठ नहीं रही हाँ। मेरे दिमाग से निकल नहीं रही हाँ। तो मैं वो पूरी दुनिया एक साइड पे है मैं एक साइड पे हूँ तो जिस तरह देखो सलार का हाइप थी ना

क्या है आपके नजर में आप शुरू करते हैं आप वो बताएं, वो बताएं जो तीन ट्राइब वाली हाँ। आपने बात बताई थी वो थी पहले समझाएं लोगों को कि वो तीन ट्राइब का अच्छा मैं ना ट्राइब पे बात करने से पहले ना एक मज़रत करना चाहूंगा उन ट्राइब के नाम मैं जितना मर्जी याद कर लूं मुझे याद नहीं मन्नर है। शोरिया करके एक है तीसरा चले हम तीन वन टू थ्री कर लेते हैं तो बेसिकली कुछ लोगों को ना ट्राइब की भी समझ नहीं आई की ट्राइब क्या है तो ये स्टोरी चलती है ग्यारह सौ से बहुत पीछे है के कुछ लुटेरे होते हैं दक, जिसको हम डाकू आज की जबान में बोलते हैं तो वो लोगों की शादियों में जा कर लूटते हैं लूट के फिर एक ऐसी सेफ जगह पे जाते थे जहाँ पे उन्होंने अपने अपने मोर्चे बनाए होते थे तो वो मोर्चे बनते 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 वो जो है घर बनते हो गए जैसे ट्राइब शादियाँ होनी पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते वो तो एक सिटी नुमा सा जो है ना वो खान सार बनने लग गया अब सीन ये है कि खान सार का अगर हम मैप को देखें ना

कुछ लोग आते हैं ये कहते हैं कि जी बहुत ज्यादा अब आवाम गई है तो एक अद बंदे की संभालने की ये नहीं है तो हम इस पर जैसे हम कहते हैं कि गवर्नर हाँ। होते हैं एक वजीर होते हाँ। हैं एक उसके ऊपर बादशाह होता है तो कुछ ऐसा कर हाँ, लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं और बड़ी एक यूनिक सी चीज थी लिख हाँ किताब पूरी किताब लिख दी कि ये होगा ये होगा ये होगा ऐसे होगा रूल्स सारे रूल्स लिख दिए और इंडिया का कोई रूल हम पे अप्लाई नहीं होगा हमारे रूल इंडिया पे अप्लाई हो और जितने भी जो है कि वो क्या कहते हैं स्मगलिंग है दो नंबर धंधा है ना वो हम करेंगे और हमें कोई नहीं रोकेगा हाँ। तो थी थी उन्होंने कहा था अगर ये नहीं होगा ना तो फिर हम तबाही मचाएंगे इंडिया में मारेंगे ये करेंगे मतलब अब कतलो गलत करेंगे तो लोग डरते थे डरने के बाद वो मोर पे उनका कुछ हेकिंग नहीं होती तो ये है ट्राइब अब ट्राइब थोड़ा सा आगे आते जाए ना तो ट्राइब जैसे ही आगे आगे आते हैं ना तो ट्राइब में ये होता है कि डिफरेंट कबीले होते हैं तीन कबीलों को बेमेन दिया गया है अच्छा तीन कबीलों में ये है कि एक उनपे बादशाह है, फिर एक आठ ऐसे कड़, कड़े क्योंकि पुराना दौर है पहले नहीं होता था कि तू लगेर खजाना है लिका या तो थी थी। वो मतलब लिखत पढ़त नहीं होता से। से। तो एक नहीं कड़ा सबसे जो पतला है ना वो छोटे वो उनके पास तीन वोट की पावर होती थी बैठे हुए थे वो जो साइडो पे आठ बंदे बैठे हुए थे वो है दूसरे नंबर पे एक कड़ा है सबसे बड़ा जो कि लंबा कड़ा है वो है जो बीच में बैठा होता है तो ये सीन है तीन फिर उन्होंने रूल सेट किया हुआ था कि इसके बाद ये होगा इसके बाद ये होगा ऐसे ऐसे आगे ये गद्दी बोल बोल लें कुर्सी बोलें ऐसे ऐसे चलेगी तो एकदम से ना उनका जो मेन बंदा है ना जिसने ये सारा कुछ किया होता है उसकी डेथ हो जाती है अब जैसे डेथ होती है अब ये चीज होनी थी दूसरे कबीले के पास ट्रांसफर उनका बनना था तो उसका जो बेटा है ना जो इसमें मेन विलन है जो मेन जिसके पास सबसे बड़ा कड़ा है तो वो ये सोचता है कि यार ये मेरे बाप ने इतनी बड़ी सल्तनत बनाई हमने इतने की हैं तो ये क्या मतलब ये क्या रोल है कि भाई वो नहीं है तो फिर दूसरा ये है लेकिन वो गलत भी करता है तो वो जनाब कहता है कि जी वो में पावर में तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो हम इनको ना सोयों को मारते हैं सोए हुए को मारते हैं बच्चे औरतें मतलब पूरा ट्राई भी खत्म और वो जो उनका सिंबल है ना उसको भी तोड़ के गिरा देते हैं तीन पुतले होते हैं और वो हाँ, एक पुतले। पुतला जो होता है वो उसको तोड़ देते, तोड़ देते हैं हाँ। और जो बाकी एक बचता है ना उनको तीन चार वजर्ते दे कर उनके साथ जिसका बेटा भी एंड पे जब उसको मारता है वो दूसरी का ए, मतलब हेड होता है दूसरे पुतले वालों का तो ये स्टोरी चलते-चलते दो दोस्तों की स्टोरी है बेसिकली दोस्ती पे ये स्टोरी है और दोस्ती और दुश्मनी के दुश्मनी तभी नहीं आई अच्छा दुश्मनी गुजर गई है लोगों को समझ नहीं आई <laughs> ये है कि लड़ ली है इन्होंने देवा को भी नहीं समझ आई ना हाँ। तो हमें फिर फिर हम तो फिर... तो अच्छा सीन ये है अब ये इस मूवी को अगर हम डिस्क्राइब करें ना कुछ वर्ड्स में तो ये मूवी ना तीन चार एंगल्स पे है फैमिली पॉलिटिक्स सीट और गद्दी के लिए पीछे भाई भाई को मारने को तैयार है और दोस्त दोस्त के लिए जान देने को तैयार है और एक रियलिटी दिखा दी है जो कुछ साल पहले होती थी थी सका थी। भाई सके भाई को काट देता था कि ये मेरी कुर्सी है ये मेरी कुर्सी है तो ये बेसिकली पे मूवी थी अच्छा ये चलते चलते जब आगे आती है ना तो थोड़ी सी टच वो इमोशनल दिखाए गए मसला ये है मुझे इकतलाफ है कुछ आवाम से क्या वो जो हमने कह दिया माँ का ज्यादा थोड़ा ज्यादा कर दिया अब जो मैंने थोड़ी सी पीछे स्टोरी बताई है ना कि वो उनका पुतला तोड़ा और उनके सारे सोयों को मारा बेसिकली ये आखिरी तीन मिनट में पता चलता है कि उन्हीं में से ये देवा था और जो माँ है ना ये उन्हीं में से बचे हुए थे हो जैसे होते हैं लोग है। है हाँ। बाहर निकला मीडिया वाले ने कहा माइक और जी बकवास है यार दफा करो ठीक है मतलब कुछ ऐसे हैं आगे हम आके उस पर डिबेट करते हैं कि कौन से पॉइंट नहीं अच्छे जिसकी वजह मतलब समझ नहीं आई लेकिन अगर मैं स्टोरी लाइन की बात करूं तो अच्छा ये चलते हैं चीजें अब छोटे होते उसकी मां को मारने आते हैं तो वो जो पृथ्वी राज जो इसमें वर्दा बना हुआ है वो अपना कड़ा मतलब अपनी वो पावर वोट की पावर जमीन पे फेंक देता है कि मेरे दोस्त को बचा मतलब दोनों ने एक दूसरे के लिए दी लेकिन आपने वो सीन देखा था कि उसकी माँ अंदर होती है कमरे में और वो बाहर कीले ठोक रहा होता है खोले ना खोले ना, प्यार है मतलब कि आप हाँ, रहे हो कीले कितनी टूटे कि ना टूटे हाँ, ना वो फिर लोग आ जाते हैं और आते किसके इसी वर्दा के ही होते हैं अपने लोगों को कहता है ये ले तू कड़ा मेरी सल्तनत ले ले मेरे दोस्त को और उसकी माँ को बड़ा वाला कड़ा बड़ा जो जिसके पास तीन वोट की पावर है तो तुम इसको जाने दो तो वो चले जाते हैं ये सही कहानी चलते चलते आगे फिर वो अब अच्छा इसमें बड़ी लोग कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि ये खानदान है क्या मतलब कि कोई दुश्मन थे एक दूसरे के या तीन थे? नहीं एक ही ही थे सारे अंदर है एक, बड़ा एक, एक, बंदे तो, के तो, तीन शादियां हैं किसी में गरोड़ा है किसी में ये पृथ्वीराज है रु, किसी रुद्रा, रुद्रा, है किसी उसी की पहली बीवी में जो है वो बेटी है एक ही भाई बहन ही है सारे लेकिन क्या है कोई पहली से है कोई दूसरी से है कोई तीसरी से इस तरह एक, तो हो गया। एक उनका मामा है। हाँ, एक मामा उनका है। मामा हो गया और एक जिसका बेटा और जो मरा था वो दूसरी ट्राइब का सरदार है एक आप कैसे बता सकते हो मूवी में जल्दी जल्दी कट टू कट आप बता रहे हो नहीं समझ आती को नहीं आती ना वो थोड़ी सी डीप थिंकिंग रखने वालों को समझ आती है या मार कुटा या गद्दी जदाद के पीछे कटते हुए लोग देखे हो तो वो तो बड़ा गौर से सुनेगा उसको ऐसे लगेगा कि जैसे मेरी ही आपबीती हाँ। चल रही है तो वो बड़ा गौर से सुनेगा अच्छा पब्लिक कह रही है जी बकवास है ये है वो है वो है अच्छा सलार की अगर मैं डायरेक्शन पे बात करूं वीएफएक्स की बात करूँ बीजेम की बात करूँ वो जो आर्मीज दिखाई है पूरी हाँ, पूरी मतलब के बड़ा बड़ा अच्छा प्रशांत नील ने ये डायरेक्ट भी किया है उसके बाद थोड़ा सा कहीं बहुत ज्यादा ब्लैक ब्लैक डार्क डार्क कर दिया है लेकिन आपने जो आगे का हाफ था आपने देखा होगा एडिटिंग ऐसी नहीं थी कि एक सीन के बाद दूसरा सीन एकदम से मतलब ना बिल्कुल छोटे 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 ऐसे सीन सारे थे मतलब सा दो घंटे चालीस मिनट में तीन ट्राइबों की इतने सालों की कहानी लाना भी बड़ा बड़ी एक सीन आया फिर उसके बाद श्रुति का फोरन सीन आया फिर वो वाला सीन फिर वो वाला वो इसलिए की कुछ दो हजार सत्रह में बात चली गई थी लेकिन जिनको समझ नहीं आ रही थी ना वो उसको स्टोरी सुनाकर 2000 1970 2011 10 की बातें बता रहा था मतलब मूवी स्टार्ट प्रेजेंट में भी थी साथ-साथ स्टोरी टेलिंग के होते-होते पास्ट में भी जा रही थी और पास्ट में क्या हुआ सबसे जो बड़ा फ्लॉ है जो लोगों को समझ नहीं आया कि ये दोनों जो दोस्त थे तो ये दोनों अब दोनों अलग क्यों हैं इसका ही लोगों को नहीं समझ आया कि ये क्या वजह क्योंकि वो उस कबीले के सब और मर अभी आप पूछ भी नहीं रही कि क्यों अलग हुए है है अलग अच्छा, हुए थे दोनों बहादुर बड़ी, बड़ी है. अच्छा, तो है, तो है दोनों, है। है तो। दोनों एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार है क्योंकि जब वो अपने बेटे का बदला लेने आता ना तो वो कहता मुझे मार वो कहता मुझे मार वो कहता मुझे मार वो कहता मुझे मार वो कहता हाथ नहीं लगाना वो लगाता हाथ काट देता है फिर उसको गला काट देता है तो मतलब दोनों में जिंदगी की भूख नहीं है वो कहता ना कि वो कहता है मैंने इसके लिए ना कुछ सौ पागल कुत्ते पाले हुए हैं जो इसको काटेंगे कहता है ये तो बचपन से ही पागल है जिस तरह वो बचपन में वो नथली लेने हाँ। के लिए बिजली की जो तार उसको है उसको, लग जाए। उसको हाथ मतलब अपनी जान को खतरे में डाल के उसका वो बदला ले लेता अपने दोस्त का मतलब दोस्ती की हद दिखाई गई है और ऐसा पुराने जमानों में होता था यार मतलब वो आजकल की दोस्तियों में अगर हम बात करें तो साफ तो ना मैं रिलेट ही नहीं कर पाई क्योंकि आज कल ऐसा नहीं होता वो ये, आज की जनरेशन को ये मूवी समझना बहुत ही टफ है यार मतलब वो आज कल की जनरेशन ऐसे और <laughs> <laughs> वो कुछ ए, एक, एक बंदे का रिव्यू देख ये गेजम तो नहीं प्रमोट कर रहे है मतलब क्या मतलब ठीक है अब एक बात है ना तो डायलॉग लिखो दोनों के, के वो आप आपस में बात तो करें करूंगा? करूंगा, बाहुबली मतलब 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 कर, तो। एक ने उसके अंदर वो वॉरियर ही चीज डाल दी है अब वॉरियर बहुत कम हंसता है वॉरियर बड़ा कम शुगर लगाता है या उसके एक्सप्रेशन चेंज उसका एक एक्सप्रेशन होता है ये वाला कि मैं ले दे जाऊंगा अगले बंदे को वो चीज़ से वो निकल नहीं रहा ठीक है तो इसमें थोड़ा थोड़ा दिया है उसको कि हथी पड़ जाए तो मतलब वो ना एक्सप्रेशन लेस था मतलब जो ए, ए, इस मूवी को जिस तरह अच्छा कहानी अलग है एक्टिंग अलग है डायरेक्शन अलग है कहानी तो बिल्कुल ठीक है जो लोगों को समझ नहीं आ रही मैं कह रही हूँ कहानी ठीक है सही है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और सही तरह समझाई नहीं, हाँ, गई। डिटेल नहीं दी गई आपने, आपने अपने माइंड में सोचा प्रशांत ने ये 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 कहानी हाँ, है और उन्होंने बहुत पकाई उसको लेकिन वो उसको ना पेश नहीं कर पाए नहीं कर पाए और अगर पेश कर पाए अपने तरीके से तो हमारी जैसी जनरेशन जो आजकल 2022-23 की सोच वाली है उसको वो पुरानी समझ ही नहीं आई वो पता ये है करते, क्या करते वो कर देते शुरू का हाफ सही था कि देवा के बारे में बात हुई देवा अच्छा पार... पहले थोड़ा सा ना मुझे इसमें थोड़ा पहले ना वो वर्ल्ड को बिल्डअप करते करते सेंटर में जाके ना हाफ तक फिर मूवी की समझ आने लगती जो दूसरा हाफ चलता फिर दोबारा बिल्डअप बिल्डअप जब एक दफा बिल्डअप हो गया तो उसको आगे बढ़ा देते ना तो बात ठीक थी तो सेंटर से फिर नीचे लेके आ गए फिर, फिर नीचे से ऊपर मतलब जब एंडिंग हुई तो पता चला कि ये जो कहानी है ये पार्ट टू में पता हाँ। लगेगी कि ये दोनों लड़े कहाँ थे देवा का बिल्डअप फिर खानसार का बिल्डअप दो बिल्डअप पे कहानी निकल गई है भाई पहला बिल्डअप खानसार का होता रहा दूसरा बिल्डअप देवा का होता रहा बस यही था और मतलब थोड़ा सा आपको ये नहीं लगा कि ऐसे लग रहा था कि मूवी जरा टॉर्च बाल के देखनी पड़ेगी बहुत काली इतना डल अच्छा मैं मैं अगर बताऊ ना तो मैंने रात को ना इधर से भी एक लाइट जलाई हुई थी एक इधर से भी जलाई हुई थी दो मोबाइल की लाइट रख के सामने हम देख रहा था मूवी बहुत डार्क था यार मुझे आधी तो वो कट जो चल रही थी अंदाजे से ही पता चला है की इधर खून उड़ रहा है तो इधर मतलब क्या मतलब दिन नहीं था तब दो हजार सत्रह की बात हो रही ग्यारह की हो रही यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को बहुत ज्यादा डार्क 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 मतलब यार लोग थोड़ा सा एंजॉय करने भी आते हैं लाइक थोड़ा सा आज दो हजार की सीन्स भी कुछ दिखा दो यार मतलब क्या अच्छा ये जो था कि कीज़ फायर करनी है चीज फायर भी कहता है यार, हो गया ना, बता दिया ना तो अब इतना जाना तो रहा तो वही किसी हो है, तो बात आपकी भी होगी बता दिया ना कीज हो या सीज हो मकसद समझ आना चाहिए समझ तो तो आप भी बेसिकली डायरेक्टर हो आप डायरेक्टर हो के उसने कहा यार मैंने स्टोरी बताई ना ऊपर ऊपर से समझ मकसद आना चाहिए आपने भी कहा मकसद को नहीं पता चला है कि ये क्या है क्या कड़ा है क्या, कड़ा है क्या सीन है अच्छा उन्होंने जब ना जैसे अगर दो में बात करें तो एक वजीर है वजीर के आगे मशीर है मशीर के आगे उसकी कभी न है तो कुछ ऐसे थे जिनका वो जो कड़ा पतला है ना उसका एक ही वोट कंसिडर होता था एक ऐसा था कि जो इतना मोटा था उसके तीन वोट करे, करे था। जो सबसे लंबा था जो उनके हेड के पास था उसके पंद्रह वोट कंसिडर थे तो सीज फायर ये था बेसिकली कि जब उसका बाप बाहर जाता है ना तो इसमें हराम जदगी एक बंदे ने लगाई हुई जिसकी बात कोई भी नहीं करना तो जैसे ही अच्छा सही तो है वो भी तो चाहता है ना कि उसका हाँ वो भी अपनी जगह पे उनके साथ है। भी गलत हुआ, हुआ तो सारे चल गया रहा रहा तो, अच्छा सीन ये होता है कि जब बचपन में कड़ा फेंक के उसने अपनी जगह दी होती है ना उसको बचा लिया होता है देवा को तो उसका बाप उससे नाराज होता है कि मैंने इसको ना पास पिना तो ये बेनोई बेसिकली इसको उसके बाप को उकसाता है

इस कुछ नहीं पता उसको अच्छा बीच में जिस, सबको काटना था देवा बहुत ऐसा कि एनिमल्स है तो वो, वो रहा है कि पागल है पागल है मतलब सठाया मतलब नहीं नहीं हुआ है हुआ। जैसे कहते हैं ना बड़ा सठाया हुआ है देवा बेसिकली एक सठाया हुआ है दोस्ती के पीछे

कि कौन लड़ना चाहता है कौन नहीं लड़ना चाहता पहले असूल होते थे अब क्या छुप के गोली मार दो पहले अगर किसी ने मारना है ना तो बता के मारना है या नहीं मारना नहीं। ये असूल होते थे तो वो वोटिंग का चक्कर चलता है कि जी ए, एक साइड पे, पे आ जाता है उसका बड़ा भाई दूसरी तरफ आ जाता है जिसको मैं ग्रोड़ा बोलता हूं, मुझे नहीं उसका नाम रुद्रा रुद्रा अच्छा रुद्रा और वरदा दो बड़े भाई एक बड़ा एक छोटा है दोनों अलग अलग महासे हैं अब वो कहता है मैं हूँ वो कहता है बाप उसका इसको लाना चाहता है तो अब लड़ाई होगी जी लड़ाई शड़ाई होगी सीज फायर हो गया वोटिंग का चक्कर हो गया अब सीन ये होता है कि जब एंडिंग पे आओ ना तो ये जेल में बंद होते हैं तो उसकी बहन आती है कि ऐलान तो किया तो मैं तुम्हारे छोटे भाई को मार दूंगी ठीक है तो ये देवा ही उसको कहता है कि को दे। फिर वो वायलेंस एंड पे दोनों करते भी है, करते है, बहुत करते हैं। होता है आ, तो वो कहता है तू वायलेंस की तरफ वोट दे यही ऑप्शन है यहाँ पे तू मरेगा या कटेगा या काटेगा

तो मतलब कि बेसिकली ये बताया गया कि ये ये एक बेरहम थे सारे हाँ। ये डाकू थे ये कातिल थे ये खून खराब हो कहता नहीं हमारे तो खून में ही वायलेंस है उसका बाप कहता नहीं अच्छा ये एक और बात थी कि वॉल एक और सीन था कि जब वो देवा अंदर जा रहा था तो कहता है कि इस वॉल के अंदर जो चला गया वो बाहर नहीं आता क्या मतलब कि वो लोग जो आम लोग हैं ठीक है गवर्नर वगैरह तो बाहर चला जाता है बाकी वहां नहीं जा सकती है ये क्या सीन है बस उनके क्या रूल हो सकते हैं लाइक कोई ये हीरो सारे तो थे नहीं सारे गलत है ना सारे विलन है काट वाट रहे हैं चोर रहे हैं स्मगलिंग कर रहे हैं गलत धंधे कर रहे हैं तो बेसिकली खान सारे एक धंधे वालों का एरिया था जिसको आप माफिया बोल लो जिसको आप डॉन बोल लो बोल लो, तो गुंडों की आपस में गुंडों की लड़ाई आपस की, ये में है। इतना लड़े। और गुंडों की सीट की लड़ाई है। हाँ। और उस गुंडों की सीट में एक दोस्ती का अच्छा इसमें तो हाँ। <laughs> अच्छा, इस बड़े लोगों को नहीं पता कि ये देवा मतलब इतना संकी है हर चीज भूल के इसके पीछे लगा हुआ है अब ये भी एक सस्पेंस है कि देवा को पता है या नहीं और ये हो सकता है दूसरे में उसको पता हो दूसरे पार्ट में हमें ये चीज बता दी जाए कि देवा सब जानता था लेकिन वो स्टिल स्टिल, स्टिल करता गया सारा कुछ हाँ। अच्छा देवा का क्या क्वेश्चन था आपका कि कि ये ना उसके लोग मार दिए देवा हाँ। के उसका जो ट्राइब था वो, वो खत्म कर दिया एंड में कौन बचा एक लड़का देवा ही एक बचा। लड़का बचा और कुछ ऐसे बचे जो होगा और वो इंतजार कर रहे थे कि जब भी मौका मिला तो हम बदला लेंगे और उन्हीं में से उसका वो दमाद भी दमाद भी था तो वो जो देवा था वो लेकर ये आखिरी दो मिनट में पता चला कि वो दमाद उनका था आखिरी दो मिनट में पता चला है कि दमाद दूसरी ट्रैप का था तो देवा चला तो गया लेकिन सीट इसकी ही थी देवा चला गया देवा ने सीट दिलवाई देवा ने वो मोर बनवाई देवा ने उसको वरदा को सारी देवा पावर दी।

बढ़ गए, हो गए हाँ। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों दो जानी दुश्मन बन गए ये सस्पेंस पार्ट टू में पता चलेगा इतनी गहरी दोस्ती। हाँ। और ये ये चीज है कि वो जब उसके ट्रक रोकता है ना तो वो कहता है ये कौन रोक सकता वो कहता है पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक सकता एक ही रोक सकता है और मुझे पता है कि वो देवा है। देवा है उसने रोका है देवा और फिर वो कहता है कि अब पता चलेगा कि देवा तू जीतेगा या मैं जीतूंगा तो बेसिकली ये ये लुबे निकलता है कि जो ट्राइब मारी गई थी ना उसी का ही ये देवा उसी लीडर का कहीं बेटा निकलना है और फिर जब देवा को ये चीज पता लगनी है ना कि जिस कुर्सी के लिए मैं काट रहा हूँ मार रहा हूँ इस वर्दा के लिए वो कुर्सी तो मुझे मिलनी चाहिए उस पे फिर इनका इख्तलाफ होगा आपस में मुझे नहीं लगता होगा उसको चाहिए हो गया हुआ अख्तलाफ लेकिन वो तो है ना कि वो तो इतलाफ 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 हो गया हुआ है। वो छोड़ के चला गया हुआ है अब तो खानी पीछे से चल रही है ना इखलाफ हो चुका हुआ लड़ाई शुरू है उनकी एक दूसरे से नहीं बोलते अब ये जो बोलना और मोहब्बत प्यार की बात दिखाई गई ना मिल के दोनों लड़े हैं ये पहले दिखाया गया पहले लड़े थे अब ये भी दिखा दिया कि दोनों अलग हो गए हैं

जो सीन था ना वो काटने वाटने वाला और वो आंखें बंद करके इस तरह खड़ा रहता है और उसको वो कहते रहते हैं यार इसको रोक रोक हाँ। वो चुप कर खड़ा रहता है वो कहता है ना बोलता ना कुछ मतलब उसने इतनी इंतहा मिचोर एक्टिंग की है कास्ट सारी अच्छी है

अच्छा लोगों को कहानी से डाउट है मुझे कहानी पे कोई डाउट चले आपको अच्छी लगी मुझे डायरेक्शन पे कोई डाउट नहीं एक ही डाउट है कि बहुत ज्यादा डार्क रख हाँ, दी गई हाँ, मुझे अब आ जाओ इनकी एक्टिंग पे सब ने कमाल एक्टिंग की है बहन ने बड़े भाई ने मम्मे ने दो तीन दो मेन लीड हैं इसमें एक प्रभास और एक श्रुति ये दोनों ही ना होते ना तो सलार अंत मचा दे दोनों ही ना होते ए, ए, ब्रबास की जगह होता यश। ओहो। और, ए, है यश और जो श्रुति उसकी जगह में इनके पास दो ऑप्शन तमन्ना, ले, तमन्ना ले, 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 ले लेते या जो जवान में आई है उसका मुझे नाम नहीं याद शाहरुख के अपोजिट जो पुलिस वाली बनी होती है वो भी साउथ वालों की है या ले लेते रश्मिका रश्मिका भी साउथ की आती है भी

कुछ उसका ही टच रखते हैं नहीं अगर लेना था तो अगर बॉलीवुड से लेनी थी लेकिन, ले लेते लेकिन इंग्लिश अच्छा बोल लेते बेसिकली उन्होंने सारे ज्यादातर यही रखे हुए हैं अपने साउथ के श्रुति बेसिकली साउथ की है हसन हाँ। कमाल की बेटी है हसन कमाल खुद साउथ का है तो वो तो बॉलीवुड में भी जाके कर चुकी है लेकिन अगर मैं इसका थोड़ा सा इसका ना मॉल बनाना होता ना तो कुछ दो चार बॉलीवुड वाले उठा लेते हैं ले लेकिन मेरा इनसे हाथ बांध के आया संजय दत्त को ना उठाते यार हर मूवी में संजय दत्त को डाल देते हैं यार मतलब हर में कभी कुछ कभी कुछ कुछ ना बॉलीवुड साउथ मिक्स कर लेते ना जाता अच्छा सही निकलता लेकिन लेकिन मैं यहाँ पे ना यश को देखना चाहूँ प्रभास की एक्टिंग अच्छी नहीं मैं इस सलार में अगर फैन हुआ ना तो स्टोरी का फैन हुआ ट्राइब का कबीलों की लड़ाई और कुर्सी और खानदान और आपने की। इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी लिखी ये भी बड़ी बात है की इतना सोचा आपने हाँ इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी लिखना इतना आसान नहीं होता और मैं बड़े लोग कह रहे हैं प्रशांत नील से मैं उसको सलूट मारूंगा अच्छा यार मैं कहता हूँ कि इतने सौ साल की कहानी को दो ढाई घंटों में लाना और फिर हर करेक्टर को अलग डिफाइन करना लेकिन जो उस कोशिश उसने की है लेकिन रिप्रेजेंट नहीं कर पाया है वो ये नहीं कर पाया प्रभास नहीं कर पाया प्रबास, प्रबास, आपको है कि की से मुझे गई है, मुझे थी गुरु बंदे वाली जैसे गुरु नहीं जैसे केजीएफ मैं केजे को क्यों रिलेट करता हूं कहते हैं जी के इसने डायरेक्टर की जब वो डायरेक्टर कहते हैं ऑफ एफ तो हम भी तो के की बात कर सकते हैं ना अब के में क्या था कि बुरे हालात होते थे तो माइंड यूज करके वो अनैद खलील के पास जाना उधर इधर ऐसे इसमें भी माइंड यूज होने वाली स्टोरी थी लेकिन वो वाले एक्सप्रेशन प्रभास के पास नहीं, नहीं, नहीं थे नहीं जो कि ये हो ना तो गुरु बन के ये सोचने लग जाए और उसके हाथ पे एक्सप्रेशन नहीं, नहीं थोड़ा दिखाता है तो कि उसको तकलीफ हो रही उसको बुरा लग रहा है वो बंद गिरने वाला यश का सीन था गाड़ी से बाहर पिस्टल निकालने वाला कि वो जाता है माँ के पास उसको बंद उठा के साफ करके देता है और कहता है कि सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है अब वो वहाँ पे जो म्यूजिक है और वो जो योद्धा बोलना यार ये बोलने का बड़ा लेकिन आपने ये नहीं देखा उसको उसकी माँ से भी कोई नहीं आ रही मतलब माँ को बेसिकली सही रिप्रेजेंट नहीं किया माँ को रूड दिखाया गया है, है। माँ को ये दिखाया गया है कि बच्चे बच्चे भी उनसे उनको हिटलर बोल रहे होते हैं तो वो सटकी हुई है बेटा भी सटका हुआ है माँ भी सटकी हुई है तो ये क्या है ये बेसिकली उनकी पीछे की स्टोरी लोगों को नहीं समझ आई बेचारे सारा खानदान कटवा के बैठे हुए हैं तो यार जिसके हजारों कट जाए तो वो क्या संकी भी ना हो पागल तो भी ना हो, हो कड़वा हो, हो जाता है जितना अगर खुदा ना खास तक थोड़ा सा भी सीन हो ये तो मूवीज ये, ये हैं। जो बात है 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 वो वो उसका दिल करता है, वो देती है। दिल नहीं करता करता नहीं। इजाजत इजाजत देती देती नहीं नहीं क्या सीन बताऊ अच्छा इसमें वो उसने उससे वादा लिया था कि तुम इसमें दोबारा नहीं आओगे या इस लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ोगे क्योंकि इससे पहले वो खून खराबा करके इसमें पड़ चुका था लेकिन वो एक माँ है और वो उससे माशरे का जुल्म भी नहीं देखा जाता तो वो अपने साथ लड़ रही होती है जब उसको गुंडे बचाने आते हैं तो वो कहती है बचाओ 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 इसको कोई भी नहीं बचाने वाला तो एक मजदूर बोलता है कि अपने बेटे को क्यों नहीं बोलती तो कहती है हाँ अगर मैं इस तरह कहूंगी तो ऐसे लगेगा ये बेटे को सेफ कर रही है मतलब जहां पे वो उसको ऑप्शन मिलनी है ना कि मैं था लड़ा था तो वहां पे वो कहती है या तो हाथ जोड़ के रोक या हाथ काट के रोक मतलब बेसिकली ये दिखाया गया है कि माँ का रिश्ता बिल्कुल एग्जैक्ट डिफाइन किया गया है जैसी माँ होती है लेकिन लोगों को समझ इसलिए नहीं, इमोशन, नहीं इमोशन कम दिखाया गया अच्छा माँ क्या होती है माँ क्या होती है कि वो बेटे को लड़ने भी नहीं दे रही होती लेकिन जब वो सोचती है कि अब बेटा मरेगा फिर वो बेटे को कहती है कि मरने से बेहतर है तू तो मार तो ये दिखाया गया और रियलिटी भी ये ही है, होता है। लेकिन माँ का करेक्टर जिसने निभाया है ना वो करेक्टर थोड़ा सा अगर इमोशनल होता ना एक्टिंग भी थोड़ी ऑफ थी आ, थोड़ी, थोड़ी थी। नहीं देखी मैं आपने देखी कहीं मैं? नहीं मैंने कहीं नहीं देखी तुम लोगों ने देखी है तो बताओ हाँ तो वो थोड़ा करेक्टर माँ वाला जो है ना अब जैसे यश की माँ अल्लाह की लड़की है तो उसने कैसे ना इमोशनल सीन दिखाया था श्रुति का वो जो अब्बा थे वो सारी स्टोरी बता रहे थे उसको उसके वो अब्बे की समझ नहीं आई वो क्या बता रहा था नहीं इसमें आप भी कंफ्यूज हो गई हो लाइक like, वो उनका मुझे पता है कि कौन सा अब्बे की आप बात कर रही हो एक, एक तो वो हो गया ना कि उसका अब्बा है वो जो उधर है कहानी तो उसके अब्बे ने सुनाई नहीं है

तो कोई इस तरह का होगा और उसने कोई देवा की सपोर्ट शायद कर दी हो क्योंकि देवा ही उसकी बेटी को बचा रहा है तो ये एक लिंक है श्रुति का बाप, बाप और देवा एक एक साइड है मतलब अगर एक इसमें समझे ना ये बहुत डेप्थ में जाके और मैं तो कहता हूँ जिनको समझ नहीं आई ना वो दो रिजले के पैग लगाए या दो छोड़ के लगाए इतनी स्टोरी समझ आएगी मेरे से ना पूछना कि मैं क्या लगा के देख रहा था <laughs> क्योंकि भाई you know, लेकिन मतलब आपको पब्लिक में हम नहीं बता सकते हो सकता है मैंने भी कुछ दो लगा के देखी <laughs> <laughs> मुझे स्टोरी जरा खुल खुल के आई हो <laughs> मुझे भी बड़ी अच्छी समझ आती है बट हाँ। ये ऐसी थी कि मैं परेशान हो गई थी आपको फिर समझ आ और यार मुझे एक मैंने रिव्यू देखा कहते नहीं समझ यार नथली का क्या लिंक है यार वो दिखा रहे हैं उन्नीस कब की कहानी है तब कड़े नतलिया पहचान होती थी ट्राइब की हाँ। किन्ने कान में ये चीज डाली होती थी वो एक कबीले की पहचान नाक में डाली हुई है एक कबीले की होगी वो एक होगी तीसरे ने कहीं यहाँ पे कड़ा डाला वो चौथे की होगी इस तरह वो पता लग जाता मतलब यार मतलब मूवी

मिस कर दिए होंगे जब कर उसकी बेटी बाप और दमाद तीनों स्टोरी को कंक्लूड कर रहे होते हैं ना तब मूवी का पता चलता है कि देवा है क्या देवा तो बेसिकली उन्हीं में से था जिनको उन्होंने काटा हुआ था मैं आपको बताती हूँ स्टोरी टेलिंग चले ठीक है, है स्टोरी टेलिंग बेटर है लेकिन एडिटिंग बर्बाद है हाँ। सिनेटोग्राफी अलग चीज है एडिटिंग अलग चीज है अच्छी है और एडिटिंग बहुत बेकार आपको बिकार लगा नहीं कि जैसे आप कबर में, में जाकर कलर डालते तो समझ आ जाती नहीं डाले वो, काली वो वो नहीं। है इसलिए ना डाली हो कि कहीं नजर ना आ जाए क्योंकि ये तो नील को भी समझ लग गई है नील भी बैठा होगा इस बंदे से मैं इमोशंस नहीं निकलवा सकता इससे मैं गुस्सा निकलवा सकता हूँ

<laughs> बस आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शूट करें और एक इधर डाल दें तो आप भी उन्हीं में से ही कोई एक नजर आओगी अच्छी थी पृथ्वीराज की अच्छी थी एक्टिंग तो तो बट... अब बताओ कि मैंने स्टोरी इनको कुछ मेरे मतलब मेरे मतलब बताने हाँ। से कुछ कुछ लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन जो है ना एक्टिंग की वजह से इसको बकवास बकवास कह रहे हैं वहां से मैं एग्री करूंगा एक्सप्रेशन लेस एक्टिव श्रोती की कोई समझ नहीं है बहुत दो मेन लीड थे इसमें हीरोन ही होते हैं ना बाकी तो एक्टर्स होते हैं दोनों से ही एक्टिंग नहीं हुई नहीं एक और बात है रिलेशंस नहीं डिफाइन किया गए। अगर श्रुति थोड़ा मोशन सा नहीं दिखाई हाँ, अगर श्रुति थोड़ा सा है उसको इफेक्शन है

दो दो घंटे चालीस मिनट पे मैंने कहा क्या कैंसर देख लिया मैंने आपको लगा लगा, 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 तो आगे जब मैं थोड़ा डीप गया ना मैंने कहा नहीं 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 बच्चे गलती कर रहा है समझ मैं हकीकत ऐसे बैठ गया ऐसे ऐसे बैठ के ना मैं ऐसे देख रहा हूँ ऐसे देख उधर से ना टक टक हुई है दरवाजे की मैंने कहा बकवास बंद हो कोई बंदा ना अंदर आए देखने दो मुझे ये क्रोसिटी डाल दी थी वाकई उसने और आपने पता है क्यों देखी है हाँ। क्योंकि सब नेगेटिव बोल रहे और आप हाँ। सोच रहे हैं कि ये मैंने इसलिए देखी है कि ये खर्च क्या मारी है हाँ। मैं तो सही के क्या खच है लेकिन मैंने कहा कि यार खच... अच्छा ये हमारा जो रिव्यू आया था इस पे इन साइड उसको देखने के बाद देखी है हाँ। कि ये क्या बोल रही है हाँ। मैंने आपको भी देखा है मैंने और लोगों को देखा है मैंने पब्लिक रिव्यू देखे हैं तो उसके बाद मैंने कहा है कि यार सारे ही एक जगह पे हैं सारे इसको इसका तो देख लेता इसकी ले रहे है तो मैं भी देख लेता हूँ कि क्या है तो मैंने कहा नहीं नहीं

ओवर गलत अजीबो गरीब मतलब कि वो जैसे गांव से उठ के इंग्लैंड चले जाओ तो इंग्लैंड वालों पे वो एम रोब चढ़ने लग हाँ. जाते हैं माए अपने गांव से आया हूँ ये वो वो तीसरी चीज ये कि जो है, है मेन करेक्टर डायलॉग्स का डायलॉग्स वाला डायलॉग्स नहीं दिए किसी को स्टोरी में बहुत ज्यादा डीप डाल दिया है बहुत ज्यादा कोई सीरियस बंदा है ना जिसकी जिंदगी में बीती हुई है उसको समझ लग जाएगी कि है जोली बॉय के लिए ये नहीं समझ आएगी उसको जो जो चिल करता है ना मूवी को देखते हुए उसको स्टोरी से नफरत है होगी भी हाँ मुझे और लगी। जिस इंसान की जिंदगी में या तो उसने कहीं अपने आसपास देखा हुआ है कुछ या उसके ऊपर बीता हुआ है वो इसके अंदर चला जाएगा इसके अंदर घुस जाएगा ये एंडिंग है लेकिन भाई मैंने डंकी देखी थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। डंकी पे डिबेट करेंगे फिल्मी, पे, फिल्मी, ये ना हाँ, कि अब आपको कोई और बात है, हमारे कोई और हमें कहेंगे तो हम समझाएंगे डंकी पे अगली डिबेट होगी और आप लोगों को कैसी लगी सलार आप लोग मुझे बताएं और थोड़ी सी अगर स्टोरी और एक्सप्लेन कर सकते हो तो कर दो और घुमा दो मेरा दिमाग इतना ऐसे घुमाया है मेरा दिमाग मैं सोच रही हूँ या अल्लाह ओ उसकी माँ उसका दोस्त कहता था, था ना कि ये पागल है तो अब इसने कहना मैं भी पागल हूँ <laughs> मैं भी पागल मैं हिल गई वो एक मूवी थी ना वो कौन सी मूवी थी वो ये हिल गया है हिल गया नहीं नहीं ये हिल गया है नहीं नहीं ये तो नहीं मैं मैं हिल गया हूँ मैं हिल गया हूँ मैं हिल गया हूँ कोई बात आ गई अब आपकी पहले आप कह रही थी सलार हिल गया है सलार का प्रभास हिल गया है अब थोड़ी के आ गया तो मैं मैं हिल 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 गई गई सब भाई तुम तुम लोग मुझे बताओ कि लोगों को सलार कैसी लगी है अच्छी लगी है तो वो भी बता दो अब डर के जिनको अच्छी लगी ना वो नहीं बता रहे अच्छी लगी है वो कहेंगे कि नहीं भाई हम क्यों बताएं आपने फिर भी बड़ा खुल के बताया कि आपको अच्छी लगी है मुझे अच्छी लगी है यार अच्छी लगी है कमेंट करो लाइक करो सब्सक्राइब करो और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज